मौसम विज्ञानियों ने इस बार भारी गर्मी की भविष्यवाणी की है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अनुसार हालांकि आने वाले दिनों विच लोगों को गर्मी तो राहत मिलेगी, पर इस बार तापमान आम दिनों नालों ज़्यादा रहेगा। उन्हें कहा है कि पिछले 51 साल का रिकॉर्ड पिछले समय विच तापमान विच 4 डिग्री के अचानक वाधे कारण टुट गया सी। हालांकि आने वाले दिनों विच लोगों को गर्मी तो कुछ राहत मिल सकती है। फरवरी महीने दे विच मौसम दे विच असी बड़िया अचानक तब्दीलियां देख रहे हैं। हालांकि सर्द रुत दे विच फरवरी महीने च सर्दी दा मौसम दा हुंदा है, पर इस वारी सर्दी दा मौसम कुछ अलग ही किस्म दा रहा। जदों महीने दी शुरुआत हुई ता काफी टेम्परेचर लो चलदे पए सी, उहदे बाद असी देखिया कि एकदम दिन दे तापमान ता तकरीबन ठीक हुंदे सी, 17-18 डिग्री सेल्सियस के आस पास होंगे, पर रात के तापमान बहुत ज्यादा लो हो जाते जेडे कि 7-8 या 9 डिग्री होंगे। एंड ज्यादा बर्फबारी पहाड़ी इलाकों च होने करके इन्होंने दिनों के हवा में नमी 90% या 95% या उस तो भी ज्यादा होने करके आप देखते दे जी फॉगी बहुत ज्यादा होंगे। फरवरी महीने दे विच फॉगी वेदर होना एक अद्धे दिन का हो जाता है, बट लगातार इन्ने लंबे वक्फे वास्ते फॉगी मौसम चलना थोड़ा मौसम चाहे आप तब्दीली की गल ही कह सकते हैं उन्हें। एंड फिर उसके बाद जो फरवरी एंड होना शुरू होया 22 फरवरी के आस पास तो टेम्परेचर इन्ने ज्यादा वधने शुरू हुए के साडे इत्थे लुधियाणे दे विच लगातार 3 दिन 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 30.2, एंड उहदे बाद एकदम 32 हो गया, जिहड़ा कि अजे तक दा फरवरी महीने विच हाईएस्ट रिकॉर्डेड सी। पीएयू दी ऑब्जर्वेटरी 1970 विच एस्टैब्लिश हुई सी एंड अजे तक 30 डिग्री तक तां गया सी, बट 32 डिग्री तक जाना जिहड़ा हैगा उह काफी हाई है वैल्यू, एंड थोड़ा जिहा चिंता का विषय भी हो जाता है। फोरकास्ट जिहड़ी आई है उहदे नाल हुण थोड़ी हीट वेव कंडीशंस दी है, साडे मैक्सिमम टेम्परेचर भी जिहड़े हैगे आ उह 3-4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तो ज्यादा चल रहे ने, मिनिमम भी थोड़े ज्यादा चल रहे ने। सो एक 28 दिन का महीना हो गया तो उहदे विच इन्नियां ज्यादा तब्दीलियां एंड एकदम यकदम आन वालियां, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਈ 4-5 ਜਾਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1/2 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ। लुधियाना तो ब्यूरो रिपोर्ट, सैलेड न्यूज़।